हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये रेडीमेड पैंट आया हुआ है हमारे पास। इसका लंबाई घटाना है, तो पहले हम लंबाई नापेंगे। लंबाई हमारा 38.5 इंची है, तो 38.5 इंची नाप के निशान लगा लिया हमने। सेम उसी निशान पे नीचे तरफ ऐसे मोड़ के वहाँ पे भी निशान लगा लेंगे, और बीच में भी इसको मोड़ के नीचे का पल्ला में और ऊपर का पल्ला में निशान ऐसे लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों, यहाँ से जो है 2.5 इंची एक निशान लगाएंगे, ये जो हमारा मोड़ने वाला भाग हो जाएगा। अब इस निशान पे जो स्टार्ट जो मार्जिन रखा है 2.5 इंच, वहाँ से काट लेंगे इसको। काटने के बाद में दोस्तों, अब जो निशान हमने जो लगाया वहाँ से ऐसे पकड़ के अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद में इसको हम यहाँ पे अच्छे से बैठा के इसके ऊपर प्रेस करेंगे। ये हमने प्रेस पे आ गया दोस्तों, जहाँ से निशान लगाया था हमने वहाँ से पकड़ के इसको मोड़ के अच्छा से कपड़ा को बैठा लेंगे। बैठा के हमने कपड़ा सेट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको प्रेस से अच्छा से तोड़ लेंगे। दोनों साइड से अच्छा से बैठा के तोड़ लें। सेम इसी तरह दूसरा मोड़ी को भी तोड़ लेंगे। ये हमारा मोड़ी तोड़ लिया दोनों हमने। अब चलिए तुरफाई करते हैं इसका। तुरफाई करने के लिए दोस्तों, ऊपर का जो भाग है बड़ा हो रहा है या नीचे का जो मोड़ा है हमने छोटा हो रहा है, तो ये जो जहाँ पे ये ज्वाइंट है वहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको खोल लेंगे सिलाई को ऐसे। इसी तरह से दूसरे साइड को भी खोल लेंगे। खोलने के बाद दोस्तों, इसको अंदर की तरफ एक चाप का मार्जिन मोड़ लेके उसको मोड़ के तुरफाई करेंगे। यहाँ से तुरफाई करने के टाइम में दोस्तों, नीचे का जो कपड़ा है एक दो धागा पकड़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं पकड़ना चाहिए, इसलिए कि बाहर धागा नहीं दिखना चाहिए तुरफाई करने टाइम में। ऊपर का कपड़ा पूरा पकड़ सकते हैं, नीचे का जो कपड़ा है दो धागा, नीचे का जो कपड़ा में दो धागा से ज़्यादा नहीं पकड़ना चाहिए, इसलिए कि बाहर से दिखाई देता है धागा, तो अच्छा नहीं लगता है तुरफाई करने में। इसी तरह से बराबर करके इस आपका मार्जिन अंदर से लेते हुए इसको हम तुरफाई करेंगे अच्छा से बैठा के। अगर ऐसे आपको बैठाने में दिक्कत हो तो पहले से आपका सिलाई से भी आप मोड़ सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, नीचे का जो मोड़ी छोटा होने से सिलाई मोड़ने से ऊपर में ये कपड़ा खुंचने का डर होता है, तो ऐसे अगर कर लें तो अच्छा रहेगा। ये ज्वाइंट के पास में थोड़ा सा खोल के कपड़ा को इसको मुंह पे ऐसे फैला लेंगे, ताकि ये नीचे का जो कपड़ा है झोल ना आए। ऐसे ऐसे थोड़ा सा फैला के इसको तुरफाई करेंगे। ऐसे फैला के अच्छा से तुरफाई कर लेंगे। ऐसे तुरफाई करते हुए चाप का मार्जिन मोड़ कर पूरा करके तुरफाई, सेम इसी तरह दूसरे साइड को भी तुरफाई करेंगे हम लोग। दोस्तों, फर्स्ट बार मेरे चैनल पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमने ज्वाइंट के पास में अभी थोड़ा सा झोल हो रहा है नीचे में, थोड़ा सा और खोल लिया हमने। ऐसे खोल के मुँह पूरा फैला लिया इसका, ऐसे फैला के ये तुरफाई करेंगे इसका। तो पहले तुरफाई करते हुए पूरा सीधा ले आएंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसमें मिलाएंगे पहले ले आके। उसके बाद में इधर का जो है तुरफाई करेंगे, जब जो मुँह खोला है हमने ऐसे पहले सीधा मिला लेंगे। ये सीधा मिलाने के बाद यहाँ ले आकर टाँकी बांध लेंगे अच्छा से, ताकि धाग ना खुले। अब है ना, यहाँ से जहाँ से खोला है हमने इसको भी ऐसे तुरफाई करके हल्का हल्का कपड़ा को पकड़ के इसको बैठा देंगे इस तरह से, देख लीजिए। ये हमारा तुरफाई हो गया, रेडी हो गया दोस्तों। अब इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे, ये हमारा पीस बनकर तैयार हो जाएगा।